अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको थीसिस के फर्स्ट चैप्टर को लिखने का तरीक़ा बताऊंगा। मेरी कोशिश होगी कि आपको इसके मुख्तलिफ टॉपिक्स जो इसके हेडिंग्स बनते हैं, इसके साथ साथ अगर कोई मुनासिब एग्ज़ाम्पल हो तो वो भी मैं बताऊंगा। और कोशिश करूंगा कि आप में से वो तलबा जिनको ये चैलेंज दरपेश होता है कि आइडिया उनके जहन में होता है लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं कि उन्होंने शुरू कहाँ से करना है और फर्स्ट चैप्टर को किस तरह कंपोज करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से जो आपको नंबरिंग नज़र आ रही है तो ये ऑर्गेनाइजेशन आप फॉलो कर सकते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर को लिखने के लिए। राइट साइड पे आपको कुछ ब्रैकेट्स में नज़र आ रहा है तो ये एक्चुअली वो लेक्चर्स है जो ऑलरेडी हमने अपलोड किए हुए हैं, अगरचि वो पश्तो में है लेकिन मेरी कोशिश होगी कि उर्दू वालों को यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल सके इन लेक्चर्स के अलावा। ताहम पश्तो स्पीकर्स इन सारे एरियाज़ को तफसील से समझने के लिए उन टॉपिक्स या लेक्चर्स का सहारा ले सकते हैं। शुरू करते हैं। जब हम पहला चैप्टर लिखते हैं तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं या बैकग्राउंड लिखते हैं। बैकग्राउंड नॉर्मली कभी लोग लिखते हैं कभी नहीं लिखते, वो डिपेंड करता है टॉपिक की नेचर पे कि आया उस टॉपिक की कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ज़रूरी है या कुछ लोग बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन में ज़्यादा फ़र्क नहीं करते और कोशिश करते हैं कि इंट्रोडक्शन से शुरू करें और उस टॉपिक के हवाले से जो बुनियादी मालूमात हैं और जो स्टडी रिसर्च बंदा कर रहा है, कोशिश होती है कि इंट्रोडक्शन में वो उसका तारुफ हो सके, रीडर को पता चले कि ये रिसर्च थीसिस किस चीज़ के बारे में है, कौन सा ब्रॉडर एरिया है जिसमें ये स्टडी की गई है और इसके मकासद क्या है और रिसर्चर ये स्टडी करके हासिल कर क्या करना चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है, ये वो बेसिक चीज़ें होती है। और ये इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी थर्ड रिसर्च जो हमारा लेक्चर है उसमें कवर किया है। वो लोग जिनको पश्तो समझ नहीं आती, अगर वो लेक्चर को खोल के सिर्फ पावर पॉइंट को भी फॉलो करें तो उनको पता चल जाएगा कि इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या चीज़ें जहन में रखते हैं जब हम वो लिखते हैं। दूसरे और तीसरे नंबर पे थियोरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। चूँकि ये ऑलरेडी हमने तफसील से बयान किए हुए हैं, मैं कुछ अर्ज़ यही करूँगा कि थियोरेटिकल फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई रिसर्च स्टडी करें तो हमें पता होता है कि इससे पहले भी इस एरिया में बहुत से लोगों ने रिसर्च किया है, उनकी कंट्रीब्यूशन है, उनकी थ्योरीज है, उनके कुछ प्रिंसिपल्स है जो उन्होंने अपने फाइंडिंग्स के बेसिस पे बनाए हुए हैं। अब जब हम मुतालिया करते हैं अपने टॉपिक पर अपने दर्स उबूर हासिल करने के दौरान, वो थ्योरीज और वो प्रिंसिपल्स जब वो हम पढ़ते हैं तो अगर हम उनको लेके अपने स्टडी में शामिल कर ले और रीडर्स को समझाने की कोशिश करें कि देखिए ये जो रिसर्च स्टडी है, ये रिसर्च स्टडी इन थ्योरीज के माबेन फॉल करती है और इन थ्योरीज में ये राइटर है या ये स्कॉलर है या ये फिलोसोफर है जिन्होंने काम किया है, और फिर आप जब उसको कंसेप्चुअली अपने टॉपिक से रिलेट करते हैं तो फिर वो आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हो जाता है। अच्छा, मैं अगर एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखिए कार्ल मार्क्स, हम सोशल साइंसेस वाले, इवन ह्यूमैनिटीज़ वाले, हम सब उनको जानते हैं कि विक्टोरियन एरा में कार्ल मार्क्स एक कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में उन्होंने बात की थी और उन्होंने इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ और जो माशरे में कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन होता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, उसके हवाले से बात की थी। तो अब अगर आप कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो वो तो आपका थ्योरी
थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आपका एक टॉपिक है और वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, यानी कार्ल मार्क्स ने जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव बयान किया है स्पेसिफिकली आप इकोनॉमिक्स में डील नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर एग्जांपल ले लूँ लैंग्वेज का और फिर मैं लैंग्वेज में पाकिस्तान में इंग्लिश की एग्जांपल ले लूँ, तो इंग्लिश पाकिस्तान में एक एसेट है। एसेट इन अ सेंस के तारिक रहमान कहते हैं कि इट्स अ पासपोर्ट टू सक्सेस, मतलब ये है कि अगर किसी बंदे को अंग्रेज़ी आती है तो उसको आगे जाने में काफ़ी सहूलत होती है बनिस्बत उस बंदे के जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती। तो इसका मतलब ये हो गया कि सोसाइटी में दो किस्म के लोग हो सकते हैं, वो जिनको अंग्रेज़ी आती है, वो जिनको नहीं आती। अब इसी तनाजुर में ये एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बन गया, पोलराइज सिचुएशन बन गया, हैव्स और हैव नॉट्स का कॉन्सेप्ट बन गया। अब कार्ल मार्क्स ने जो बात की थी वो पैसों के लिहाज से थी या इकोनॉमी के हवाले से थी, लेकिन वो जो ब्रॉडली जो पॉइंट इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में वही पॉइंट आप अपनी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप इंग्लिश एज एन एसेट इन आवर सोसाइटी को डिस्कस करेंगे तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, और जब आप कार्ल मार्क्स को और अपने रिसर्च थीसिस को रिलेट कर ले तो ये इन अ सेंस आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बन जाता है, थ्योरेटिकल से आप कॉन्सेप्चुअल में आ जाते हैं। अच्छा, इन दोनों के लिखने के बारे में ज़रूरी नहीं है कि ये इंट्रोडक्शन के फौरन बाद लिखा जाए। कुछ लोग इसको मेथडोलॉजी चैप्टर में, जो तीसरा चैप्टर होता है, उसमें लिखते हैं। डिपेंड करता है टॉपिक पे, रिसर्चर के मूड पे, उसके आइडियाज़ पे, और कि वो किस तरह अपनी थीसिस को ऑर्गेनाइज कर सकता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर में ही शामिल हो। वैसे आइडियली चूँकि ये बेसिक्स पे आता है और आपका जो आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग है उसका एक हिस्सा है, तो अगर फर्स्ट चैप्टर में हो तो ज़्यादा मुनासिब है, वरना तो कुछ लोग उसको सेकंड या थर्ड चैप्टर में लिखते हैं। इस पे हम ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करते, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल रिसर्चर या सुपरवाइज़र के चॉइस के मुताबिक। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात थियोरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के हवाले से ये है कि मैंने आपको जो लेक्चर थे 11 और 12 नंबर, उसमें मैंने आपको बताया था कि दुनिया में जितनी भी यानी थीसिस के हवाले से जो रिसर्चेस हुए हैं उसमें ये बात जाहिर होती है कि हमारे रिसर्च की दुनिया में थियोरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे या तो ज़्यादा लोग समझ नहीं पाते या एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो थीसिस में इन फ्रेमवर्क्स का एहतमाम ग्लोबली इतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप में से किसी को थियोरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाने में दुश्वारी हो या समझने में दुश्वारी हो, तो आप क्या कहते हैं, कमतरी फील ना करें, इन्फीरियॉरिटी फील ना करें, बल्कि आप उन बहुत से लोगों में शुमार होंगे दुनिया में जिनको इन कॉन्सेप्ट्स का ज़्यादा क्लियर पता नहीं है। यही वजह है कि बीएस और एमफिल के थीसिस के हवाले से थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमें ज़्यादा नहीं मिलता थीसिस में, अगर मिले भी तो वो ज़्यादा वेल एक्सप्लेन्ड या वेल कनेक्टेड या वेल कोऑर्डिनेटेड इन द थीसिस नहीं होता। पीएचडी पे भी कुछ क्वेश्चन मार्क्स इस पर लग सकते हैं, लेकिन चूंकि ये एक बहुत स्पेशलाइज्ड चीज़ है और उसके लिए आपको उस एरिया में एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, और फिर उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस फ्रेमवर्क को बनाने में रिसर्चर ने कितनी कमज़ोरी या कितनी महारत का मुजाहिरा किया है। फिर आगे चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम पे। तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम के हवाले से यही कहूँगा कि कुछ लोग प्रॉब्लम को मसले के तौर पे लेते हैं, तो हकीकत में ये मसला नहीं होता, बल्कि हम वो गैप आइडेंटिफाई करते हैं, वो पॉइंट इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं जो हम अपने रिसर्च में करना चाहें। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा स्कूल में
टीचिंग फैसिलिटीज़ पे रिसर्च करना चाहे तो अब देखिए उसमें काफ़ी सारे रिसर्चेस और रिसर्च स्टडीज़ अवेलेबल होंगी जो स्कूल में एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के हवाले से होंगी। अब आपने बहुत सी स्टडीज़ पढ़ी और आपने देखा कि चलो अर्बन सेंटर्स में, इस्लामाबाद में या पेशावर में या लाहौर में तो ऐसी स्टडीज़ बहुत है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल फार ऑफ माउंटन्स जो चित्राल और अपर दीर में है या अपर सवात में है, वहाँ पे सिचुएशन भी डिफरेंट है और स्कूल की फैसिलिटीज़ भी डिफरेंट है और आप ये समझते हैं कि वहाँ पे आउटपुट भी डिफरेंट होगा बनिस्बत जो सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट्स है उसके मुकाबले में। तो आप ये कहते हैं कि मैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ देखने यानी मेरी स्टडी का मकसद ये है, तो ये इन अ सेंस आपने एक प्रॉब्लम या आपने वो गैप आइडेंटिफाई किया कि जो लोग स्कूल में तालीम की बेहतरी के हवाले से रिसर्च कर रहे हैं उनको आपने एक ऐसे इलाके और ऐसे लोगों की तरफ निशानदेही आपकी स्टडी का मकसद है जो पहले लोगों ने आम तौर पे या देखे नहीं या नज़रअंदाज किए होंगे। फिर एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जब हम आते हैं तो एम्स जनरल हम कहते हैं कि एक जब हम स्टडी करते हैं तो हमारा एक बड़ा मकसद होता है। बड़े मकसद का मतलब ये है कि जो मैंने एग्ज़ाम्पल दी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के हवाले से, तो इसमें बड़ा मकसद आपका यही हो सकता है कि आप चाहते हैं कि ये जो अपर डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे तालीम का मायार और एजुकेशनल आउटपुट हम इम्प्रूव कर सकें, और फिर उस इम्प्रूवमेंट को इंश्योर करने के लिए आप ये स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, अब जब आप ये स्टडी करेंगे तो अब बहुत से ऐसे पैरामीटर्स हो सकते हैं जिन पर काम किया जा सकता है और जिसकी वजह से हम एजुकेशन में बेहतरी ला सकते हैं, लेकिन सब हम कर नहीं सकते। हमारे पास वसाइल की कमी है, हमारे पास पैसों की कमी है, हमारे पास वहाँ पे जाने के एक्सेस के, वहाँ पे स्टे करने के, और फिर हमारी डिग्री के ड्यूरेशन भी ऐसा है कि उसमें हम यानी आपने अगर 6 माह में या 1 साल में या 2 साल में आपने बहुत सी चीज़ों के साथ साथ डेटा भी कलेक्ट करना है तो आप शायद नहीं कर सकते। तो लिहाजा आप कुछ स्पेसिफिक्स पे जाके वो अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो आप 1, 2, 3 करके बना लेते हैं, यानी अगर आपने स्कूल फैसिलिटीज़ को देखना है तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं, फिर वहाँ पे टीचर्स की ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ या उनको जो ट्रेनिंग्स दी जाती है उसको आप एक ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं कि मैंने इसको देखना है। फिर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जो वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है कि एक आपका लोकल लैंग्वेज है, फिर आपका कौमी ज़ुबान है, और फिर उसके साथ साथ आपने इंग्लिश को भी कैटर करना है, तो अगर आप वो देखें कि वहाँ पे कौन सी ज़ुबान में पढ़ाया जाता है, कौन सा ज़ुबान बोला जाता है यानी क्लास में या क्लास के बाहर, तो ये 2-3 आपने आइडेंटिफाई की, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। तो इसको आप इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि आप अपने वसाइल और अपने महदूद वक्त में अपने काम को बखूबी सरंजाम दे सके। तो लिहाजा हम इस स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम के बाद हम अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके साथ हम रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चंस एक्चुअली हम ऑब्जेक्टिव्स के साथ अगर कोऑर्डिनेटेड वो तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है, यानी अगर आपने ऑब्जेक्टिव 1 बनाया कि मैंने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना है और आप रिसर्च क्वेश्चन इस तरह बनाए कि स्कूल्स में फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल क्या है, तो वो क्वेश्चन एक्चुअली यानी अगर आप 1 को एड्रेस करेंगे क्वेश्चन को तो आपका ऑब्जेक्टिव कवर हो जाता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव आप उसको कवर करेंगे तो आपका क्वेश्चन कवर हो जाता है। तो मेरे ख्याल में मैं ये तजवीज़ करता हूँ कि अगर आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो अगर आप 3 बनाएं तो 3 उसके साथ कोऑर्डिनेटेड और करिस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस भी बना लें। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होने चाहिए ताकि
पता चले कि मैंने काफ़ी मेहनत की है और मैंने काफ़ी चीज़ों को देखा है। मेरे ख़्याल में ये इतना प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव्स हमारे ज़्यादा हो तो उसमें हमारा टाइम और हमारी एनर्जी, हमने देखना है कि अगर हमने एक साल में रिसर्च करना है तो हम कितना कवर कर सकते हैं। कुछ लोग 6 या 7 ऑब्जेक्टिव्स बना लेते हैं, फिर बाद में उनको समझ नहीं आती कि अब इनको कवर कैसे करें। मैंने जहाँ तक पढ़ा है या देखा है तो मेरे ख़्याल में आप 3 ऑब्जेक्टिव्स को आइडियलाइज़ कर ले। लोग 5 भी लिख लेते हैं, 4 भी लिख लेते हैं, 2 भी लिख लेते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप 3 को आइडियलाइज़ करें, 3 रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बना ले और फिर उस पर 3 रिसर्च क्वेश्चंस बना ले। हाइपोथेसिस भी बन सकता है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम पे, और फिर वो डिपेंड करेगा आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और कि स्टडी का नेचर क्या है। सोशल साइंसेस में हाइपोथेसिस बहुत ज़्यादा यूज होता है बनिस्बत हमारे लिटरेचर साइड पे। अच्छा, हाइपोथेसिस बनाने के लिए हमें ये भी देखना होगा कि नॉर्मली हम क्वालिटेटिव रिसर्च में क्वेश्चंस पे जाते हैं और क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग का एक मैकेनिज्म होता है। इस पे मैं ज़्यादा तफसील से बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो लोग जो रिसर्च में हाइपोथेसिस रखते हैं उनको पता होता है कि इसको किस तरह डील करना है। फिर हमारे इसके बाद हम एक मेथडोलॉजी का एक कंप्रहेंसिव 1 या 2 पैराग्राफ्स अगर डाल दें तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट होता है। कुछ लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि ये तो हम इसके लिए अलग-अलग 3रा चैप्टर रखते हैं और उसमें हम मेथडोलॉजी को ए से लेके जेड तक डिस्क्राइब करते हैं, तो हम तो फिर ये रिपीटेशन हो जाएगा। हरगिज़ नहीं। मेरे कहने का मकसद ये है कि उसी 3rd चैप्टर को आप जहन में रख ले और उसको समराइज्ड फॉर्म में 1 पैराग्राफ या 2 में लिख ले, क्योंकि आप ये हरगिज़ ना भूलें कि अभी आप चैप्टर 1st लिख रहे हैं और ये चैप्टर 1st एक्चुअली आपकी पूरी स्टडी का इंट्रोडक्शन है और मेथडोलॉजी आपके स्टडी का पार्ट है। तो अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो यहाँ पे एक तुष्णगी सी रह जाएगी रीडर के लिए। तो चाहिए कि आप एक कंप्रहेंसिव गुड पैराग्राफ में या 2 छोटे छोटे पैराग्राफ में रीडर को बताएं कि जो आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स और या रिसर्च क्वेश्चंस को परसू करने के लिए जो तरीक़ेकार अपनाया है वो कहाँ पे फॉल करता है, यानी फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, स्कूल्स में है, यूनिवर्सिटीज़ में है, प्रोविंस में है, कौन से प्रोविंस में है, अर्बन में है, रूरल में है, कितना सैंपल है, कौन सा नॉवल है, कौन सा ड्रामा है, किस तरह उसकी आपने डेटा कलेक्शन की है, क्लोज रीडिंग की है, क्वेश्चनियर है, इंटरव्यू है, कंटेंट एनालिसिस है। ये कुछ मोटे मोटे अल्फाज लगा के आप मेथडोलॉजी का पैराग्राफ डाल दें तो उससे सेंस बन जाता है कि इस रिसर्च स्टडी को किस तरह आगे ले जाया गया है। फिर हमारे पास डीलिमिटेशंस ऑफ द स्टडी होता है। अच्छा, एक डीलिमिटेशंस होता है, एक लिमिटेशंस। लिमिटेशंस और डीलिमिटेशंस में आप फ़र्क कोशिश करें कि उसको समझ सके। अगर आप रिसर्च 9 वाला जो लेक्चर है उसको अगर आप सुनना भी ना चाहें और सिर्फ उसके पावर पॉइंट के स्लाइड्स को देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ पे मैं आपको डीलिमिटेशंस की बात कर लूँ। डीलिमिटेशंस स्टडी के इसका मतलब ये है कि आप एक बाउंड्री बनाते हैं या आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं और आप अपने रीडर को कहते हैं कि ये चीज़ें मेरे स्टडी में फॉल करती है। यानी आपने एक सर्कल बनाया, उस सर्कल में कुछ चीज़ें डाल दी, आप ये कह रहे हैं कि इस सर्कल में जो चीज़ें हैं वो मेरे स्टडी के स्कोप में आती हैं। इसके बाहर अगर आपके जहन में कुछ आएगा तो वो मेरे से रिलेट नहीं करेगा। यानी मैं दोबारा अगर वो स्कूल वाला एग्जांपल दे दूँ, उस स्कूल में आपने मकसद तो आपका एजुकेशनल आउटकम और इम्प्रूवमेंट है और फिर आपने उसमें फैसिलिटीज़ की बात की है, लेकिन आपने ऑब्जेक्टिव्स में फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने दूसरा जो लैंग्वेज मीडियम का और फिर टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से, ये 3 चीज़ें आपने ली थी। अब डीलिमिटेशन में आप ये लिखते हैं कि चूँकि
एजुकेशनल फैसिलिटीज़ और आउटकम के लिए तो बहुत से वेरिएबल्स हो सकते हैं, बहुत से एरियाज़ हो सकती है, लेकिन मेरी स्टडी में फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग्स और लैंग्वेज को कवर किया गया है, और यही मेरा वो दायरा है जहाँ पे इस स्टडी में आप एक्सपेक्ट करें एज रीडर कि आपको आगे क्या मिलने वाला है। क्योंकि जब भी आप एक ब्रॉडर टॉपिक लिखते हैं, यानी हम नॉर्मली टॉपिक पे हम पाकिस्तान लिख लेते हैं या खैबर पख्तूनख्वा लिख लेते हैं, यानी अगर आप कहें कि करप्शन इन पाकिस्तान एक थी, अगर इस पर आप थीसिस लिख ले, या आप पोल्यूशन पे इन द कंट्री, अगर आप पोल्यूशन पे लिख ले, तो आप पूरे मुल्क का तो कोई नहीं कर सकता, न पूरे मुल्क में करप्शन के हवाले से, न टेररिज्म के हवाले से, न एजुकेशन के हवाले से। तो फिर आप लिखते हैं कि चूंकि स्टडी के नेचर और टाइम और रिसोर्सेज को देखते हुए मैंने अपनी स्टडी को डिस्ट्रिक्ट पेशावर तक रिस्ट्रिक्ट किया है, या मैंने सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी को लिया है, और तो असल में वहाँ पर आप एक बाउंड्री बना लेते हैं। तो जो रीडर के जहन में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो कि मैंने देखना है कि ये रिसर्चर कराची के बारे में क्या लिखता है, तो चूंकि कराची आपने कवर नहीं किया और वो डिलिमिटेशंस में आपने स्पेसिफाई करना होता है, आपने जो चीज़ें कवर नहीं की वो नहीं लिखते, आप सिर्फ वो लिखते हैं जो आपने कवर की है, और आप फिर ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि मैंने डिलिमिटेशंस में अपने चीज़ों को स्पेसिफाई किया हुआ है। लिमिटेशन इसके बरक्स वो होते हैं जो आपने कवर नहीं किए, यानी अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने अपने रिसर्च में सिर्फ क्वेश्चनियर यूज़ किया है और आपने इंटरव्यू अगर किया होता तो उसका शायद ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता, आपको ज़्यादा डिटेल्ड फाइंडिंग्स मिलती, तो आप कहते हैं कि दिस इज़ वन लिमिटेशन ऑफ माई स्टडी कि ये इंटरव्यू बेस्ड नहीं है। अब लिमिटेशंस तो हर स्टडी में होते हैं, तो आपने अपनी जान छुड़ा ली उस सवाल से क्योंकि ये आपके स्टडी के दायरे में नहीं आता। उसके बाद हम स्कोप और सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस पे बात करते हैं। तो स्कोप में तो वही ये एक से लेके आठ तक जो बातें हमने की है तो ये स्कोप में आ जाती है। सिग्निफिकेंस के बारे में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरी स्टडी का सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, तो वही अगर मैं स्कूल फैसिलिटीज़ वाला एग्ज़ाम्पल ले लूँ तो उसमें एक सिग्निफिकेंस तो ये है कि इससे एजुकेशन में बेहतरी आएगी, ये थीसिस अगर कोई लोग पढ़ेंगे तो इससे टीचर्स को भी सीखने को मिलेगा, इससे गवर्नमेंट को भी सीखने को मिलेगा अगर गवर्नमेंट स्कूल के हालात के बारे में उनको बताया जाए, करिकुलम डिज़ाइनर्स को भी इस स्टडी से हेल्प मिल सकती है कि जो करिकुलम हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो कैसे लोग पढ़ेंगे, कैसे तलबा है, कैसा माहौल है। पॉलिसी मेकर्स जो एजुकेशन की पॉलिसी बनाते हैं उनके लिए भी इसमें फ़ायदा है, और सबसे अहम जो इसका इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये आपकी डिग्री कंप्लीट करने के लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको डिग्री नहीं मिलनी, तो ये भी इसकी इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस में आप लिख सकते हैं। तो ये चार पांच, एक दो तीन चार पांच करके आप ये सिग्निफिकेंट पॉइंट्स किसी भी स्टडी का अगर आप लिख ले तो ये मुनासिब होता है। फिर ऑपरेशनल डेफिनीशंस ऑफ टर्म्स इफ़ नीडेड, अब 10 नंबर पे जो ऑपरेशनल डेफिनेशंस की मैंने बात की है, जो सोशल साइंसेज में नॉर्मली लोग लिख लेते हैं, हमारे लिटरेचर साइट पे या लैंग्वेज साइट पे शायद ये कल्चर बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन ये होता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल्स दी है, पावर्टी, एजुकेशन, टीचिंग फैसिलिटीज़, तो देखिए एजुकेशन की डेफिनेशन में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। चलो आप पावर्टी को ले लें, गुरबत जो है, अगर आप गुरबत के बारे में कोई स्टडी कर रहा है और वो कह रहा है कि मैंने पाकिस्तान में गुरबत का मायार या गुरबत का जो एग्जिस्टेंस है उसको फॉर एग्ज़ाम्पल पावर्टी को देखना है, अब देखिए पावर्टी में तो नकदी भी आ जाती है, अगर वो ना हो, अगर जेवरात ना हो, अगर घर ना हो, अगर जायदाद ना हो, अगर दुकान ना हो, अगर गाड़ी ना हो, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती है जो पावर्टी में आप डाल सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि जो गरीब होगा उसके पास ये चीज़ें नहीं होंगी और ये मैंने स्टडी करनी है, लेकिन सारे वेरिएबल्स तो आप ले नहीं सकते, तो आप फिर इन सिचुएशंस में उसको डिलिमिट करते हैं कि मेरे स्टडी में पावर्टी का स्कोप कैश या घर या जेवरात की हद तक लिमिटेड है।
मैंने पावर्टी को इन तीन पैरामीटर से देखना है। अच्छा, एजुकेशन को अगर आप देख ले तो जो हमने एजुकेशनल फैसिलिटीज़ वाला एग्ज़ाम्पल जो मैं शुरू से देता आ रहा हूँ उसमें अगर आप देख ले तो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ में तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग और लैंग्वेज के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, उसमें माहौल आ सकता है, उसमें टीचर स्टूडेंट रेशो आ सकता है, उसमें जो करिकुलर मटेरियल आ सकता है कि जो हम पढ़ाते हैं उसका मायार किया है, फिर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी स्टूडेंट्स का रोल प्ले करता है, टीचर्स का की जो क्वालिफिकेशन है वो भी मैटर करती है। यानी मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं आपको ये बताने की कोशिश करूं कि फिर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर आपसे लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपने तो वो फैसिलिटी कवर नहीं की, वो कवर नहीं की, तो आप इसको क्यों किस तरह क्लेम कर रहे हैं कि आप फैसिलिटीज़ को देख रहे हैं। तो उसको आप ऑपरेशनली डिफाइन करते हैं कि मेरा मकसद फैसिलिटीज़ से ये चीज़ें हैं। यानी ये जिस तरह हमने ऊपर डिलिमिटेशन की बात की थी तो ये एक्चुअली आप उस ब्रॉडर टर्म्स को, उन ब्रॉडर टर्म्स को आप डिलिमिट करते हैं कि मैंने इससे मतलब ये लिया है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टूडेंट ले लूँ अपने टॉपिक में, मैं स्टूडेंट का जिक्र कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट से मेरा मकसद सिर्फ वो तालिबे इल्म है जो जिसकी उम्र 20 साल से कम हो और जो सरकारी स्कूल में पढ़ता हो और वो डिस्ट्रिक्ट कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले ले या कोई भी जगह ले ले कि जो वहाँ पे पढ़ता हो, मेरा मकसद स्टूडेंट का वो है। तो देखिए इससे बहुत सारे सवाल जो है ना वो खुद ब खुद हल हो जाते हैं कि आपकी जो फाइंडिंग्स है वो शायद पेशावर के या लाहौर या कराची के स्टूडेंट पे अप्लाई ना करें। तो इसलिए ये ऑपरेशनल डेफिनेशंस भी हम डाल लेते हैं अगर ज़रूरत हो, अगर हमारे पास कोई ऐसे ट्रिकी या कोई फ्लोइड टाइप के कॉन्सेप्ट्स हो जिसमें हमें बाद में कन्फ्यूजन हो सकती है। फिर आउटलाइंस और टाइम टेबल के बारे में, इसका मकसद सिर्फ यही है कि जब हम चैप्टर को क्लोज करते हैं तो हम एक एक दो दो लाइंस में अपने चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं और एक ही पैराग्राफ में हम लिख लेते हैं कि चैप्टर वन में हमने स्टडी को इंट्रोड्यूस किया है, हमारा प्रॉब्लम, हमारे ऑब्जेक्टिव्स और सिग्निफिकेंस पे हमने बात की है, चैप्टर टू में हम रिसर्च लिटरेचर रिव्यू पे बात करेंगे, चैप्टर थ्री में हमारे रिसर्च मेथडोलॉजी का के बारे में है तफसीलात, और फिर आप चैप्टर फोर में डेटा एनालिसिस, और अगर उसको आपने फर्दर चैप्टर्स या सेक्शंस में डिवाइड किया है तो वो भी आप उसमें डाल सकते हैं, और फिर आप कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं। तो ये लास्ट पैराग्राफ नॉर्मली होता है, लेकिन सबसे आखिर में अगर दो तीन चार लाइंस वाला एक समराइज्ड फॉर्म का एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ हो जिसको हम समरी भी कह सकते हैं, और ये यहाँ के अलावा थीसिस के हर चैप्टर में एडवाइजेबल है कि अब जब आप एक चैप्टर से दूसरे की तरफ स्विच करने जा रहे हैं तो आप उसमें लिख लें कि इन द प्रीसीडिंग डिस्कशन या अब तक जो हमने बात की वो इंट्रोडक्शन और टॉपिक के हवाले से थी और नेक्स्ट चैप्टर में हम अब लिटरेचर रिव्यू को डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने रीडर को बता दिया कि मेरी बात यहाँ पे ख़त्म हो रही है, अब अगर आपने आगे जाना है तो लिटरेचर रिव्यू में जाएंगे। तो इस तरह हम चैप्टर फर्स्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं जाते जाते फिर ये बात कह दूं कि ये हतमी नहीं है ये अरेंजमेंट, इसमें रद्दोबदल हो सकती है, इसमें कुछ टॉपिक्स सुपरवाइज़र ऐड कर सकता है या रिमूव कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द टॉपिक, द नेचर ऑफ द स्टडी, ये सारी चीज़ें, लेकिन ये एक मेरी तरफ से एक अरेंजमेंट या एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। तो जो लोग अगर इस तरीके को फॉलो करेंगे तो होपफुली दे विल नॉट बी कंडेम्ड या कोई उनको गलत नहीं कहेगा। अगर इन डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से या हमारे आज के डिस्कशन के हवाले से अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप काइंडली कमेंट्स में उसको छोड़ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल को एड्रेस कर सकूँ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।